हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग लेक्चर। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आप देख रहे हैं जेई मैथ रैंकर्स। सो मेरे से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स हैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, t.me/pjsir42। ये टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी का ऑफिशियल चैनल है जो मेरे लिए बनाया गया है। उसके अलावा जो भी कॉन्टेंट आप लोग पढ़ते हैं जेई मैथ रैंकर्स पर, उसके जो सेशन नोट्स हैं वो आप लोगों को यहां पे मिलते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है, सो प्लीज काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस लिंक। सो गाइस, आप लोग जानते हैं अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अमेजिंग सब्सक्रिप्शंस, प्लानर्स भी अब ऐड हो चुके हैं, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, ये चीज आप लोग को मिलती है अनअकैडमी पर। ठीक है, फिर पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, एवरीथिंग यू गेट ऑन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो जल्दी से दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लीजिए, क्योंकि जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है। सो 24 मंथ की जो प्राइस है वो अब 56,000 की जगह 61,600 हो जाएगी, और 12 मंथ वाली 42,350 होने वाली है, 6 मंथ वाली 30,800 होने वाली है। ये करंट प्राइसेस है। ये प्राइसेस कम हो जाती है, आप लोग जानते हैं पीजे लाइव कोड यूज होता है, तो आप लोग को जो इफेक्टिवली बेसिकली 50,000 का 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन होता था वो तकरीबन अब 55,000 का पड़ने वाला है। तो जल्दी से दोस्तों आप जो ओरिजिनल प्राइसेस हैं उन पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 34,650, 53,999, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2.5 ईयर्स के लिए। 2.5 ईयर के बच्चों जो जेई 2024 वाले हैं वो पीजे लाइव कोड यूज करके 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करें। या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइस है आप लोग देख सकते हैं 1 ईयर की 58,500, 2 ईयर की 90,000। तो पीजे लाइव कोड यूज कीजिए और जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो ये बैच डिटेल्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, कॉम्बैट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो हर संडे आप लोग के लिए होता है। इसमें स्कॉलरशिप्स आप लोग को मिलती है। एवरी संडे यू कैन गेट स्कॉलरशिप्स, अप टू 100% आपको स्कॉलरशिप मिलती है इसके अंदर। तो कॉम्बैट एग्जामिनेशन आप लोग जरूर दें, जिससे आप लोग हमारे साथ, मेरे साथ प्लस पर लाइव पढ़ सकें। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग ये कॉम्बैट का एग्जामिनेशन के लिए एनरोल कर सकते हैं। ये मेरे बैचेस चल रहे हैं दोस्तों, IOQJS का जो क्रैश कोर्स है, मंडे वेंसडे फ्राइडे 3:30 PM ये कोर्स चालू हुआ है 3 सितंबर को। 13 सितंबर को ये कोर्स चालू हुआ है, 13 सितंबर को दोस्तों ये चीज़ चालू हुई है PRMO की। सो अगर आप लोग दोस्तों मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आते हैं तो आप लोग को ये बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो मेरी मेंटरशिप होगी, अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीज हम लोग आप लोग को देते हैं, होमवर्क चेकिंग मैकेनिज्म रहता है, ट्रैकर मैकेनिज्म रहता है, ओलंपियाड ओरिएंटेड गाइडलाइंस, मोटिवेशनल क्लासेस, एंड टू एंड सपोर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल एंड हाउ टू कवर बैकलॉग, रिविजन स्ट्रैटेजी, सब चीज़ें आप लोग को बताई जाती हैं। सो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं मेन लेक्चर कॉन्टेंट की तरफ। हेलो गाइस, हाय गाइस। चलिए, आई होप द वॉइस इज क्लियर, द वॉइस इज क्लियर गाइस, इज द वॉइस कमिंग परफेक्टली? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाय, हेलो, आई थिंक द वॉइस शुड बी क्लियर, राइट? क्या आवाज आ रही है गाइस? हाय क्रेजी फैला बेटा, मैंने अमर सिन्हा, आप लोग आपने देखा नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल था, वहां पे सॉल्यूशन वगैरह सब चीजें। हाय, मुझे क्यों नहीं आ रही आवाज? एक मिनट, मुझे क्यों आवाज नहीं आ रही? एक मिनट गाइज, लेट दी अदर स्टूडेंट्स ज्वाइन एज वेल, लेट मी कन्फर्म द वॉइस। आप लोगों सबको आ रही है? हाँ, चलो बढ़िया, सब बच्चों को आ रही है, बस उतना काफी है मेरे लिए, सो गाइज, आज हम लोग KVPY क्रैश को स्टार्ट करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के साथ, ज्योमेट्री, बहुत ही ओपी सेशन होने वाला है गाइज। सो आई होप आप लोगों को क्लियर है सारी चीजें, क्या रूल्स रहते हैं क्लास के, ठीक है। मैं जो सीक्वेंसिंग फॉलो करने वाला हूं वो क्या होगी गाइस? वो सीक्वेंसिंग होने वाली है मेरी बुक की, ठीक है। मेरी बुक की सीक्वेंसिंग हम लोग फॉलो करेंगे। आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है गाइस कि जो मेरी बुक है उसी की सीक्वेंसिंग हम लोग फॉलो करेंगे। द रीजन वाई
the reason why we are not taking this session on the स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड में थोड़ा सा टेक्स्ट का इशू आ रहा था गाइज, आप लोगों ने मुझे बताया था सर टेक्स्ट थोड़ा सा विजिबल नहीं था, तो इसके अंदर टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर होगा राइट. यस, आई विल बी गिविंग द होमवर्क फ्रॉम द पाथफाइंडर. सो गाइज ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, AIR 42, JEE 2008, BTEC IIT बॉम्बे, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स इन लास्ट 5 years, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन. सो गाइज ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स हैं. अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी 11th एंड 12th का, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. 5964 मेंबर्स है, अब तो 7,500 से भी ऊपर हो चुके हैं. तो अगर आप लोग मेरे से रिलेटेड जो भी टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन है, मतलब जो भी नोटिफिकेशन है, वो आप लोग देख सकते हैं. सो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर गाइज आप लोग लेना चाहते हैं, मेरे साथ JEE प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हैं, फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं आप लोग लाइव. उसके अलावा लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स आप लोगों को अवेलेबल होता है, टेस्ट सीरीज और एनालिसिस आप लोगों को मिलेगा, और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आप लोगों को इसके अंदर मिलेंगे. सो ये मेरे कुछ कोर्सेज हैं गाइज, जैसे इस तरह से आप लोग कोर्स देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है गाइज, तो आप लोग कोर्स ले सकते हैं. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों को क्या करना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद प्लस पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करने के बाद IIT JEE या फिर कोई सा भी टारगेट आप चूज कर सकते हैं. सभी कोर्स पे आप लोगों को गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करना होगा, जो भी आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं. फिर 12 या 24 मंथ का आप लोग ऑप्ट करें और फिर PJ लाइव कोड यूज करें, PJ लाइव कोड को अप्लाई करें, 10% डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा. सभी तरह के मीडियम से आप लोग कर सकते हैं, 0 cost EMI वगैरह सब चीजें अवेलेबल है. मेरे साथ पढ़ने का जो गाइस बेनिफिट है वो आप लोग को मैं बता देता हूं. सो ये मतलब JEE के अंदर गाइस प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन अभी आए हैं, ठीक है. तो दोनों तरह के सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ये है गाइस, इंडिया के बेस्ट एडुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDF लाइव टेस्ट एंड क्विजेस तो आप लोग को मिलते ही है प्लस में. बट अगर आप लोग को पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस चाहिए, तो आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई कोड PJ लाइव. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन उसको हम लोग बोल रहे हैं, जहां पे आप लोग को मेंटर भी मिलते हैं, राइट. और गाइज अगर आप लोग मेरे साथ और मेरे कोर्सेज के थ्रू या फिर दूसरे जो मेरे एग्जामिनेशंस हैं उनको आप प्रिपेयर करना चाहते हो और आप लोग को कुछ गाइडलाइन नहीं मिल रही है, तो आप लोग मेरे बनाए हुए ट्रैकर्स जो मेरे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, राइट. KVPY का ट्रैकर भी मैं आप लोगों को बना के अभी दूंगा. ये नोट्स गाइज डिस्क्रिप्शन में जो लिंक अवेलेबल है वहां पर मिल जाएंगे आप लोगों को, तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइज. ये कोर्स अपने आप में सफिशियंट कोर्स है, तो अगेन बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को कोई भी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि है लाइंस एंड एंगल्स. तो गाइज सबसे पहले ये डेफिनेशन आप लोग क्लियर कर लीजिए, कोलिनियर क्या होता है. कोलिनियर गाइज वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे लाए करते हैं, राइट. तो कोलिनियर का मतलब गाइज ये होता है कि सारे पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं. क्यों, एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी ये पॉइंट्स, ये टर्मिनोलॉजी लिखी आ जाती है और वो टर्मिनोलॉजी से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है. इसका मतलब अगर दो पॉइंट तो हमेशा एक लाइन पर लाए करेंगे, यूक्लिड बाबा ने ये कह रखा है, बट अगर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट है तो गाइज वो अलग अलग जगह पे हो सकते हैं. तो यहां पे मैंने आप लोग को बता दिया, राइट गाइज. सॉल्यूशंस मैंने बोल दिया गाइज, सॉल्यूशन मैं डाल चुका हूं, ठीक है. सॉल्यूशन गाइज जो कल वाले जो नोट्स थे, कल का जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है, वहां पे आप जाइए, वहां पे सॉल्यूशन भी अपलोडेड है, कल के नोट्स भी अपलोडेड है. सिमिलरली गाइज इस के अंदर आप लोग अगर नोट्स देखेंगे तो ठीक है, यहां पे नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, नोट्स यहां पे अवेलेबल है गाइज. तो नोट्स जो सेशन नोट्स है ना, सेशन नोट्स के लिए आप लोग को क्या करना है गाइज, ठीक है, अपडेट ये बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा और वहां पे आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे, राइट गाइज. बिल्कुल बाकी सारे सब्जेक्ट भी गाइज यहां पे होने वाले. 3 or more lines आर सेट टू बी कॉनकरेंट. ये जनरली गाइज बच्चों को ये पॉइंट नहीं पता होता, कॉनकरेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास करने वाली लाइन्स, एक ही पॉइंट से पास करने वाली लाइन. तो यहां पे ये पांचों लाइन जो है ना गाइज क्या कही जाएंगे, TLMNT आर कॉनकरंट. क्या बोलेंगे गाइज इसको, आर कॉनकरंट एट पी. क्या बोल देंगे गाइज इसको, एट पी, ठीक है, मिल गया. चलो गुड, आई होप आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर है. डन बोल दो यार अगर आपको क्लियर है. बेटा गामा सीरीज ही है ये, गामा सीरीज ही कंटिन्यू हो रही है, गामा सीरीज ही कंटिन्यू हो रही है गाइस.
यस अभिमन्यु सिंह राठौर, आई ऑलरेडी टोल्ड ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्री, ऑल द ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर हियर. ठीक है, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग गाइस, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. ये देखो कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो हम लोगों ने ली है. ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोगों को मैं दे दूंगा. ठीक है, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है गाइस, एक प्लेन क्या होता है. अ प्लेन इज अ सर्फेस सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट. मतलब क्या है कि आप एक सर्फेस लें, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ें, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ें, अब इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे. ये इनफाइनाइट पॉइंट्स अगर उसी सरफेस पे लाए कर रहे हैं तो ये प्लेन हो जाएगा. मेरे को पता है क्या पर्सनली लगता है गाइस, केवीपीवाई में देखिए 10th और 11th का सिलेबस है. ठीक है, अब यूक्लिड की जो सारी डेफिनेशन है वो 9th क्लास में, तो इस वजह से आना तो नहीं चाहिए ये क्वेश्चन, बट आ सकता है. ठीक है, कॉन्करेंट एंड इंटरसेक्टिंग का डिफरेंस क्या होता है मेरे बच्चों, दो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है हमेशा अगर वो पैरेलल नहीं है तो, बट तीन लाइन के पास ऑप्शन है, या तो ट्रायंगल बनाएंगी वो या फिर वो एक ही पॉइंट से पास करेंगी. तो ये होती है कॉन्करेंट, ये होती है नॉन कॉन्करेंट जो ट्रायंगल बनाती है. राइट गाइस, हाय तने, वेरी गुड, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए डिफरेंस बिटवीन कॉन्करेंट एंड इंटरसेक्टिंग. केवीपीवाई के लिए गाइस देखो, आईओक्यूएम का लेक्चर मैंने कल ले ही दिया था आप लोगों को. ठीक है, यस, मैथ्स यहां से कवर हो जाएगी गाइस आपकी. अब देखिए, लाइंस एंड एंगल्स. लाइन, अ लाइन हैज लेंथ बट नो विड्थ एंड नो थिकनेस. ये यूक्लिड ने डेफिनेशन दी थी. एंगल क्या होता है, एंगल ए ओ बी आप लोगों के लिए इतना काफी. ये आर्म्स है. ओ क्या कहते हैं गाइस, वर्टेक्स. ये सारी डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई मुझसे क्वेश्चन ना कर सके सर ये वर्टेक्स का मतलब क्या होता है. राइट, यस, दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्री आर एम ओ, बट आईओक्यूएम के अंदर भी गाइज मैं ये सारी चीजें कराऊंगा. मैंने बोला था बिल्कुल बेसिक से ही हो रहा है गाइज, बेसिक से ही हो रहा है गाइज ये. अब देखिए ये कन्वेंशन गाइज, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं. जैसे एक किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, उसी तरह से एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. ठीक है, एंगल एडिशन एक्सियम, अगर एक्स एक पॉइंट है, ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी ए एक्स. क्या आप लोग को सारी चीजें क्लियर है, अभी तक डन लिख दो यार, आई वॉन्ट अ डन फ्रॉम हियर. आज मेरे हिसाब से टेक्स्ट काफी क्लियर होगा गाइस, टेक्स्ट काफी क्लियर है बेटा. फुल थियोरी कोर्स ही है ये, फुल थियोरी कोर्स है, बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं मैं. डन बोल दो आप, डन बोलो. यस, दिस इज द फर्स्ट क्लास, this is the first class, please say done guys, I want a done from you. Right, done. बहुत सिंपल से ना, बहुत सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूं guys, ताकि हमारे जो basics है ना वो बिल्कुल clear रहे, बिल्कुल basics clear रहे, ताकि इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूं. ठीक है, I hope आप लोगों को सारी चीजें clear है. पहले भी क्लियर था, बधाई हो भाई जिसको पहले भी क्लियर था. ये राइट एंगल होता है, ये एक्यूट एंगल होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से 180 के बीच में होता है. अगली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है गाइस, स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री, ये रिफ्लेक्स एंगल गाइस. ये एंगल देखिए, इस वाले एंगल को हम लोग देखेंगे ना, ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल. और यहां पे हम लोग एक डेफिनेशन लिखेंगे जो होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन. कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब क्या होता है गाइस, इफ नन ऑफ द एंगल्स आर रिफ्लेक्स देन पॉलीगन इज कॉन्वेक्स. राइट गाइस, पॉलीगन क्या होगा, कॉन्वेक्स. ठीक है, राइट गाइस, आई होप आप लोगों को यहां तक सारी चीजें क्लियर है. बिल्कुल सिंपल सा कोर्स है गाइस ये,
ठीक है, आप लोग की पूरी केवीपीवाई की प्रिपरेशन कराई जाएगी, मेरी बुक में से आप लोग को होमवर्क मिलेगा, इस क्लास के एंड में आप लोग को होमवर्क मिलेगा, ठीक है, इसके होमवर्क के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे गाइस, राइट। तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं ये एक पॉलीगन लू ना, इसमें आप देखो ये वाला एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री है, सो दिस इज कॉल्ड अ कॉनकेव पॉलीगन। क्या बोलेंगे इसको गाइस? कॉनकेव पॉलीगन, राइट, इसको हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन। यलगार हो बेटा, इस कोर्स में पूरा कोर्स कवरेज होगा, पूरा कोर्स कवरेज होगा जो केवीपीवाई में आता है, राइट राइट गाइस। अंशुल पुरंडा ने, बेटा मैं मैथ्स का बता सकता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ऑलरेडी चल रहा है इस चैनल पे, पूरा बैच कोर्स है ये। अब एंगल बाइसेक्टर्स, अ रे OX इज सेट टू बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। अब एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन देख लो गाइस, OX इसका मतलब क्या हो गया गाइस? एंगल AOX इज इक्वल टू एंगल BOX। अब गाइस मैं आप लोग को बता देता हूं, इसको मैं क्या लिखूंगा, ये X है, ये X है, तो इसका मतलब एंगल AOB 2X है, राइट, एंगल एडिशन एक्सियम से, एंगल एडिशन एक्सियम से। बुक्स के सॉल्यूशन गाइस, यार कल का वीडियो देख लो प्लीज, कल का वीडियो देख लो, उसके अंदर मैंने बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल था, वहां पे अवेलेबल है। हाँ, IOQM में ज्योमेट्री होगा, IOQM में ज्योमेट्री होगा गाइस। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या होता है? ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल हो गए, एक दूसरे के बगल में, ठीक है, जिनका एक कॉमन आर्म होता है, ये होती है कॉमन आर्म, राइट गाइस। पहले भी कुछ बच्चों को क्लियर था ये जल्दी से ब्रश थ्रू कर रहा हूं मैं, ठीक है, जल्दी से ब्रश थ्रू कर रहा हूं। लीनियर पेयर क्या होता है गाइस? लीनियर पेयर का मतलब दोनों का सम 180 डिग्री हो, ठीक है। अब ये गाइस एक दूसरे के क्या है? ये सप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल्स है गाइस? सप्लीमेंट्री एंगल्स, इनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये टर्मिनोलॉजीज डायरेक्टली यूज हो सकती है। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 90 डिग्री इंप्लाइज एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाएगा इनको, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को क्लियर है। गाइस देखिए, जो भी बच्चे सीरियसली पढ़ना चाहते हैं वो चैट को नजरअंदाज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, प्लीज आप इस चीज पे फोकस करें। आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं एंड में ले लूंगा, जो भी नॉन एकेडमिक डाउट्स हैं वो मैं एंड में ले लूंगा, पूरा कोर्स होगा, ये सब चीजें बता रहा हूं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं गाइस? इन दोनों एंगल्स को कहते हैं, ठीक है, और ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं अगर ये AB और CD स्ट्रेट लाइन है तो, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, राइट। कहीं पे भी आपको दिक्कत, टिल इट विल बी टिल 815, इट विल बी टिल 815, कैन टू लाइन्स बी कॉन्करेंट? दिव्यम, द टू लाइन्स विल बी कॉन्करेंट इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, राइट, ट्रांसवर्सल। अब गाइज ये डेफिनेशन सुन लीजिए आप, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ गिवन लाइंस। अब यार ये एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, ये सब ध्यान रख लो आप। एंगल वन, एंगल फाइव को क्या कहा जाता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। कहीं पे भी आपको दिक्कत आए आप मुझे बता देना। सर आपने पूरी बुक के सोल्यूशन नहीं मिलेंगे बेटा, टॉपिक बाय टॉपिक मिलेंगे, पूरी टॉपिक बाय टॉपिक सोल्यूशन मिलेंगे गाइस, क्योंकि मेरे पास अभी दो ही टॉपिक के अवेलेबल है, समझ रहे हो, मेरे पास दो ही के अवेलेबल है अभी। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल टू, एंगल एट, ये क्या होते हैं गाइस? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं इनको, ठीक है। एंगल टू, एंगल फाइव, इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, केवल टर्मिनोलॉजीज हैं, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, केवल टर्मिनोलॉजीज हैं गाइस, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे बता सकते हैं गाइस, है ना, देखने की जरूरत नहीं है, संगीता खंडेलवाल देखने की जरूरत नहीं है गाइस आपको,
बुक कहां से मिलेगी गाइस? बुक आप लोग को खरीदनी पड़ेगी, अमेजोन से आप लोग खरीद सकते हैं मात्र 300 रुपए की, राइट? टॉपिक बाय टॉपिक इज मोर ब्यूटीफुल, यस, ठीक है। तो ये गाइस डेफिनेशंस है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, ताकि आप लोग नोट्स भी देख सकें। मैंने आप लोगों के लिए पूरी चीज यहां पे लिखी है। नॉमेनक्लेचर यहां पे है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा गाइस, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, राइट? ये सारी चीजें देखिए, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये इक्वल होगा, राइट? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स गाइस क्या होंगे? इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे। और इंटीरियर एंगल का सम, एंगल 2 प्लस एंगल 5 गाइस 180 डिग्री होगा, राइट? एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री होगा, राइट गाइस? आई होप, हाँ 284 की है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीज हो गया गाइस, ये सारी डेफिनेशन आप लोग के लिखी है। प्लीज आप लोग यार, अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं कि मैं आप लोगों को नोट दे रहा हूं, तो थैंक यू आप बोल सकते हो, ठीक है। आप लोगों को देखो, मैं समझता हूं गाइस, जो केवीपीवाई के स्टूडेंट्स हैं वो जेई या नीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसलिए उनको हो सकता है कि नोट्स लिखने का टाइम ना हो, तो मैं पूरे डिटेल नोट्स आप लोगों को दे रहा हूं। प्लीज इस चीज को आप अप्रिशिएट करें, ठीक है। बेटा क्वेश्चंस आएंगे प्रसून इसमें एंड में। को इंटीरियर एंगल्स मैंने आप लोग को बताई दिया, जो इनको अल्टरनेट अपोजिट एंगल बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन करें आप, एक्स का वैल्यू बताएं, एक्स का वैल्यू बताएं, एक्स का वैल्यू बताएं गाइस, ठीक है। राइट गाइज, मैं आपसे बस थैंक यू इसीलिए मांगता हूं, ताकि मैं भी बिल्कुल मोटिवेटेड रहूं, राइट? चलिए 40 बच्चे बोल रहे हैं, 40, ठीक है, थैंक यू गोपाल। अब देखिए क्या बोल रहा है गाइज, एंगल एबीसी 100 डिग्री है, है ना? एंगल एबीसी 100 है, एंगल ईडीसी, ईडीसी गाइज 120 है, राइट? आपसे एंगल एक्स पूछा है और ए बी पैरेलल टू डी ई है। अब आप क्या कर सकते हो, देखो इसको आगे एक्स एक्सटेंड कर सकते हो, इसको भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो, तो गाइज ये 120 डिग्री होगा, पैरेलल लाइन है दोनों, ठीक है। ये पैरेलल है, ये 120 है, ये एंगल मेरे बच्चों 60 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। और गाइज ये एंगल 80 होगा, ठीक है। तो x प्लस 60 प्लस 80 इज इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 40। और यहां पे गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट दो टेक अवेज हम लोग लिखेंगे। अगर एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, एंगल ए सी डी इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं गाइज इसको? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और अगर ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, ये एंगल जेड है, तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे बच्चों के एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं? हाँ या ना बोल दो भाई, हाँ या ना बोल दो। फोर्टी हो जाएगा ना गाइज, एक्स का वैल्यू 40 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 40 हो जाएगा। कर सकते हो दीपांशु, दीपांशु खासा आप कर सकते हो गाइज। देखो जो भी बच्चे केवीपीवाई के हैं, ये 9th एनसीईआरटी में, यस, क्या आप लोगों को क्लियर हो गया गाइज ये? राइट सर, ये लॉन्ग कट है, लॉन्ग कट मान लो, कैसे भी मान लो। मेरे हिसाब से गाइज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा हूं, एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा हूं गाइज मैं आपको, ठीक है। ठीक है चलिए, अब गाइज ट्राइंगल्स की चर्चा कर लेते हैं, ट्राइंगल्स की चर्चा कर लेते हैं। अब देखो कन्वेंशन बता देता हूं मैं आपको, ए बी सी, ए के सामने वाला साइड ए, बी के सामने वाला साइड बी, सी के सामने वाला साइड सी, ठीक है। ए बी बी सी ये कन्वेंशन है गाइस, एंगल ए एंगल बी,
एंगल सी, राइट गाइस, ये तीन एंगल्स होते हैं, ठीक है, ये तीन एंगल्स होते हैं गाइस। आपके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे, आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। स्केलन ट्राइंगल होता है गाइस, आइसोसेलिस होता है, इक्विलेटरल होता है। ये तीन तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, है ना, ये तीन तरह के ट्राइंगल्स होते हैं। संदीप बेटा अभी लेवल अप हो जाएगा, टेंशन मत लो। तीन साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल, दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलिस, एक साइड इक्वल है तो स्केलन। आइसोसेलिस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन बेटा क्लास के एंड में आएंगे, सबको पता है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स वी हैव थ्री टाइप्स, एक्यूट, राइट। कहीं पे भी आप लोगों को दिक्कत आए ना गाइज, मुझसे पूछ लेना कि सर ये डेफिनेशन एक बार बता दो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर है। अब देखते हैं, अब अपन बात करते हैं गाइज, कुछ नॉर्मल क्लेचर की बात करते हैं। ट्राइंगल के अंदर एल्टीट्यूड्स और हाइट क्या होते हैं? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ साइड इन अ ट्राइंगल कॉल्ड एन एल्टीट्यूड। इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं गाइज। दीज आर थ्री एल्टीट्यूड्स, ठीक है। ये पॉइंट ओ है ना गाइज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्थो सेंटर। इसको क्या बोलेंगे गाइज? ऑर्थो सेंटर। जनरली इसको हम एच से डिनोट करते हैं। तीनों एल्टीट्यूड्स कहां पे मीट करते हैं? एच पे, राइट। हाँ, मिनेलाउस केवा बेटा होगा, मिनेलाउस केवा केवीपीआई के सिलेबस में है इसलिए वो होगा। थैंक यू प्रसून, राइट गाइज। ए ई सी डी एंड बी एफ आर दी एल्टीट्यूड्स, राइट गाइज। चलिए, सेकेंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, मीडियन। मीडियन क्या होती है गाइज? मीडियन, अगर लाइन सेगमेंट को गाइज अपोजिट, देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये ना, ये यहां पे गाइज ये नहीं आएगा, देखिए ए वर्टेक्स है, ये ई मिड पॉइंट है, ये दोनों साइड इक्वल हो गई, तो ए ई बी ई सी एफ आर मीडियंस। क्या कहते हैं इसको गाइज? मीडियंस। और ये पॉइंट क्या हो जाता है? सेंट्रॉइड। क्या होता है गाइज? ये सेंट्रॉइड, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। प्लीज इस चीज में कंफ्यूज मत होना यार, प्लीज इस चीज में कंफ्यूज मत होना, राइट। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, सभी समझा रहा हूं मैं, देखो। तो मीडियन का इंटरसेक्शन क्या होता है गाइस? सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। जी से क्यों? क्योंकि इट इज ऑल्सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसी लॉजिक से अगर ए और बी और सी पे आप इक्वल मास पुट करेंगे तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पे आएगा, राइट। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोग समझे कि भाई अगर ये जी है तो ये होता है एरिया ऑफ ए जी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ जी बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए जी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन थ्री। तो क्या पॉइंट है गाइस? अ मीडियन बाइसेक्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन इक्वल एरियाज। ये तो है ही सही कि भाई दोनों इक्वल एरियाज में होंगे, और ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट गाइज। सो ये पता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेई मेन के अंदर। जी डिवाइड्स द कंप्लीट ट्राइंगल इन इक्वल, इन थ्री इक्वल एरियाज, इन थ्री इक्वल एरियाज, राइट गाइज। बीई एंड सी एफ, ठीक है, यहां पे एडी कर लेंगे हम लोग, या फिर एक काम करते हैं अपन चेंज कर लेते हैं इसको, अपन चेंज कर लेते हैं गाइस। यहां पे देखिए डायग्राम में जो है ना क्या लिखा हुआ है? सी डी बी एफ एंड ए ई, ये लिखा हुआ है डायग्राम में। तो अपन डायग्राम के हिसाब से बना लेते हैं, डायग्राम के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा गाइस, डायग्राम के हिसाब से आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ए ई सी डी एंड बी ई एल्टीट्यूड नहीं है, मीडियंस है। मीडियन का मतलब क्या होता है गाइस? देखो बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये ट्राइंगल लेते हैं, ये ए वर्टेक्स फिक्स है, बी सी का मिड पॉइंट फिक्स है, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, ए डी इज मीडियन, राइट गाइस।
एडी इज मीडियम, अभी नहीं आएगी मास पॉइंट थ्योरम, अभी नहीं आएगी यार, कैसी बातें करो। ठीक है पूजा रावरिया, ओके राइट गाइस, ठीक है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। फिर थर्ड है एंगल बाइसेक्टर्स गाइस, एंगल बाइसेक्टर्स का भी आप लोग ध्यान रखें, ये वर्टेक्स है ए बी सी, तीन एंगल होंगे, इनको आधे आधे में तोड़ने वाला, मतलब ये हो गया ए बाय टू, ये हो गया ए बाय टू, ये हो गया बी बाय टू, ये हो गया बी बाय टू, ये हो गया सी बाय टू, सी बाय टू। तो गाइस पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इन सेंटर। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप इसको टेंशन मत लो, ठीक है डिटेल में डिस्कस करेंगे राइट गाइस। देखो आप अन अकेडमी के टीचर से पूछोगे अन अकेडमी बेटर है या कोई और इंस्टीट्यूट, तो ऑब्वियसली अन अकेडमी बोलेंगे, आप लोग खुद अपने विवेक से दिमाग लगाओ राइट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर राइट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो द बेस्ट सेंटर, मेरे हिसाब से जो बेस्ट सेंटर है ना वो इन सेंटर है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी क्या केवल नॉमन क्लेचर बता रहा हूं मैं आपको, नॉमन क्लेचर बता रहा हूं मैं आपको राइट। उस थ्योरम का प्रूफ है ऑब्वियसली है राइट गाइस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है गाइस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी चीज है जो एक लाइन सेगमेंट के लिए डिफाइन होती है। जैसे मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट लो और यहां से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करो, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गई राइट। और अगर मैं इसको ई बनाऊं तो ईडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और देखो मैथ्स वालों की वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड होती है, परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दिया राइट गाइस। तो अगर एक ट्राइंगल में ए बी बी सी और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो सरकम सेंटर पे मीट करता है, कहां मीट करता है गाइस, सरकम सेंटर पे। हाँ अंबुज बेटा तू तो प्लस पे, वहां पे मैं पढ़ाई रहा हूं एसओटी अभी अभी स्टार्ट किया है राइट। तो ये देखो आप ऐसे कनेक्ट करो राइट, तो ये क्या हो गया गाइस, सेंटर ऑफ सरकम, सेंटर ऑफ सरकम सर्कल। क्या कहते हैं मेरे बच्चों इसको, सरकम सर्कल, सब अपन एक्सप्लेन करेंगे ठीक है। ये सरकम सेंटर मैंने बता दिया आपको, और ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल पॉइंट्स ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका क्या मतलब है गाइस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है मेरे बच्चों कि यार ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पर कोई सा भी पॉइंट ले लो तुम ठीक है, अगर ये ए है ये बी है ये कोई सा भी पॉइंट है तो ओ ए और ओ बी बराबर होगा। कैसे मेरे बच्चों मैं बताता हूं, देखो अगर ये D है, AD इक्वल टू DB हो गया, OD इक्वल टू OD कॉमन, एंगल OD इज इक्वल टू एंगल ODB, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो इससे हम लोग बाय CPCT OA इक्वल टू OB बोलेंगे राइट। समझ में आई बात, सरकम सर्कल में मैंने क्या बोला गाइस, देखो आप सिंपल सी चीज सोचो, आप लोगों ने अभी अभी क्या बोला मुझे कि सर ये चीज समझ में आया, मैं ओ ए इक्वल टू ओ पी होगा, इसका मतलब मेरे बच्चों इस लॉजिक से ओ ए ओ बी और ओ सी ये तीनों बराबर हो गए, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। अब अगर मेरे बच्चों में इसको कैपिटल आर बोलूं, तो अगर मैं ओ को सेंटर लेके आर रेडियस का सर्कल बनाऊं तो वो ए बी सी तीनों से पास होगा, क्योंकि ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों डिस्टेंसेज आर है, तो इसलिए क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक सर्कल बनेगा जो एबीसी से पास करेगा, इसको इसकी डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। एंड ये टर्मिनोलॉजी एबीसी आर कॉन साइक्लिक, कॉन साइक्लिक मतलब एक ही सर्कल पे लाए करने वाले पॉइंट्स राइट गाइस, राइट गाइस, ओ ए इज ओवर पावर्ड, वाह AD इक्वल टू BD कैसे, AD इक्वल टू BD कैसे भाइयों, डेफिनेशन क्या है, अ लाइन सेगमेंट विच बाइसेक्ट्स, भाइयों लिया है ऐसा, AD इक्वल टू DB लिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन यही है, समझे आराध्य राज, समझ में आया बेटा आराध्य, अब आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया
राइट गाइस, आराध्या मैंने समझा दिया, ठीक है। इसके नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, टेंशन मत लो। ऑर्थो सेंटर मैंने बताई दिया है गाइस आपको, ठीक है, ऑर्थो सेंटर मैंने आपको बताई दिया है। अब मुझे एक चीज बताओ सिंपल एंगल चेजिंग से गाइस, क्या एंगल बी ओ सी 180 माइनस ए हो जाएगा? देखना गाइस मेरे बच्चों, क्या ये एंगल 90 माइनस सी है? ये एंगल 90 माइनस बी है, तो एंगल बी ओ सी प्लस 90 माइनस सी प्लस 90 माइनस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू बी प्लस सी आ गया। तो क्या इस, क्या मैं एंगल बी ओ सी को 180 माइनस ए बोल सकता हूं? कोई दुविधा हो तो बता दो, कोई दुविधा हो तो बता दो। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन चीजों पे, इन चीजों पे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। सेंट्रॉइड क्या होता है गाइस? मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड होता है। समझ में आई मेरी बात? फटाफट गाइस वीडियोस को लाइक कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो गाइस जल्दी से, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो मेरे बच्चों। राइट, क्वेश्चन भी आएंगे, क्वेश्चन भी आएंगे यार। प्लस वालों को भी करना चाहिए गाइज, मेरा यही केवीपीवाई का कोर्स है। इस साल और कोई लाइव कोर्स नहीं आने वाला है केवीपीवाई का, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, मुझे ये चीज बताओ, क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं? प्रूव दैट, अगर प्रूव हो जाए तो डन लिख दें आप, प्रूव हो जाए तो डन लिख दें गाइज। 90 माइनस सी कैसे? देखो गाइज मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चों, क्या ये एंगल 90 डिग्री है? क्योंकि एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, ये एंगल पूरा एंगल सी है, तो ये 90 माइनस सी होगा। ये भाई एक ट्राइंगल है बीएफसी, ट्राइंगल बीएफसी में ये एंगल सी है, तो ये 90 माइनस सी होगा। ये प्रूव करो, राइट। इसको देखो आप एक बार, इसको करो, आपको धीरे धीरे सारी एंगल चेंजिंग समझ में आ जाएगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया गाइस, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, राइट। वेरी गुड राजदीप घोष, मैंने अभी अभी संदीप रिपीट किया बेटा, प्लीज आप उस चीज को देखें। ये भी डन हो गया, गुड। अब देखो बहुत धीरे धीरे समझना गाइस, बहुत धीरे धीरे आपको पूरी एंगल से पिछले वाले क्वेश्चन का भी समझ में आ जाएगा पक्का, मेरी गारंटी है गाइस। देखो ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये एक एंगल बाइसेक्टर, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मेरे बच्चों, क्या ये बी बाई टू है? क्या ये सी बाई टू है? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। अब अगर ये एंगल एक्स हो गया तो क्या मैं कह सकता हूं एक्स प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइंगल का एंगल है। अब एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस सी बाई टू। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी बाई टू 90 माइनस एंगल ए बाई टू होगा। तो ये पुट कर दो यहां पे 90 माइनस एंगल ए बाई टू। अब इसको आप ऐड करोगे तो क्या ये 90 प्लस ए बाई टू आ गया? बताइए आया नहीं आया? ये वाला देख ले अतुल, अतुल यहां से भी पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा, क्योंकि मेरी बुक की सीक्वेंसिंग के हिसाब से तो ये ज्यादा बेटर रहेगा तेरे लिए, राइट राइट गाइस, डन। ओके आयुष विकास, बिल्कुल बेटा। देखो ये लेवल बहुत इजी है, बट इसके एप्लीकेशन में दूंगा ना आप लोगों को तो दिक्कत होगी, तो इसलिए कह रहा हूं आराम से सारे बेसिक्स पढ़ लो, पहले सारे बेसिक्स पढ़ लो, ठीक है। सेम लॉजिक से गाइज ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, है ना। अब ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी देख लो गाइस, ट्राइंगल इनइक्वालिटी देख लो, इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी
ए बी इक्वल टू सी, बी सी इक्वल टू ए, सी ए इक्वल टू बी, इसके प्रॉब्लम्स अभी करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम्स हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग टेंशन मत लो, इसकी प्रॉब्लम्स हम लोग करने वाले हैं गाइज, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, बहुत ईजी और इंट्यूटिव है, क्या आप लोगों को ऑलरेडी आता था गाइज ये, राइट? यस, फोर आर सी एच प्लेस, आई एम एबल टू सी योर कॉमेंट्स, बायो बता दो, बायो गाइज इसी चैनल पे चल रहा है, मैम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये गाइज क्या है, लार्जेस्ट, अगर मान लीजिए बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूं गाइज, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर सी ग्रेटर देन ए है, सी लेस देन ए है, इट इंप्लाइज एंगल सी इज लेस देन एंगल ए, राइट गाइज, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट गाइज, पीडीएफ भेज देंगे, बिल्कुल भेज देंगे गाइज, आराध्य राज डेफिनेटली भेज देंगे इसका पीडीएफ, बिल्कुल टेंशन मत लो, राइट? तो ये चीज होगा, समझ में आ रही बात, कोई भी दिक्कत आए बता देना, कोई भी दिक्कत आए गाइज यहां पे मॉड आएगा, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन दी थर्ड साइड, राइट? राइट गाइज, डिफरेंस ऑफ, अब गाइज इसका बहुत अमेजिंग एक एप्लीकेशन बताता हूं मैं, शायद आप लोगों को ना पता हो, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं गाइज तो ऐसा लिख सकता हूं, दोनों साइड स्क्वायर करूं तो ऐसा लिख सकता हूं, इस पर डायरेक्टली केवीपीवाई क्वेश्चन दे चुका है, आप लोग भी जानते हैं, डायरेक्टली केवीपीवाई इस चीज पे क्वेश्चन दे चुका है गाइज, जो मैं लिख रहा हूं ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट मिस कर दिया तो आप एक बहुत अमेजिंग चीज मिस कर देंगे, तीनों को ऐड करो गाइज, तो क्या आप ये कह पा रहे हैं, राइट गाइज, और इससे मैं ये चीज कह सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल, राइट गाइज, मिलेगा बेटा, डेफिनेटली होमवर्क मिलेगा आपको, पक्का पक्का आज आपको होमवर्क मिलेगा, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइज। फिर आप लोग को देखो ये पता होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, गाइज आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ये आइडेंटिटी होती है, राइट? अब यार मेरे को एक चीज बता दो आप, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर्स का सम है? तो इस लॉजिक से मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये नंबर पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। तो आप देखो गाइस, ये इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर टू है, इक्वेशन नंबर वन से गाइस क्योंकि ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं, मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू लेस देन टू होगी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है मैंने आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं आपकी जगह होता तो इसको स्टार मार्क करता, स्टार मार्क करता मैं इसको, राइट? राइट, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगी, बेटा सृष्टि मंगलम मेरा ये कोर्स फॉलो करो प्लीज गाइस, ये कोर्स आप रेगुलरली फॉलो करो, पहला लेक्चर है ये, बहुत अमेजिंग लेक्चर है, आप लोगों को बहुत हेल्प होगी इससे। अप्रोच गाइज धीरे धीरे डेवलप होगी, आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे डेवलप होगी अप्रोच, प्लीज एक्सप्लेन दी लास्ट स्टेप, आप लोग ये चीज समझ पाए गाइज। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी भी लिख लें आप, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, बेटा ये मेरी बुक के ही नोट्स है, यस दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ केवीपीवाई, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ केवीपीवाई गाइज, ठीक है, आर्यन मैं बता रहा हूं, देख बेटा वापस से बता रहा हूं, देखो गाइस आप लोग ये मानते पहले तो ऊपर लिख रहा हूं, राइट? अब इससे मेरे बच्चों मैंने क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को डिनोमिनेटर में ले आऊं
तो मेरा ये आ गया राइट, ये इक्वेशन वन आ गई। फिर उसके बाद मैंने ये बोला यार ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी की वजह से दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूं तो ऐड करके ये भी लिख सकता हूं, जिससे मैंने ये बोल दिया जो इक्वेशन नंबर वन जिसको मैं बोल रहा हूं। अब फिर से अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर दोगे तो ये लेस देन टू आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ गया। प्लीज आप लोग इसको डन लिख दें गाइज। इसका शेड्यूल है मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे 7 PM टू 8:30 PM 8:15 PM राइट गाइज। वेरी गुड आर्यन, हाथ वाले बेटा जो भी चीजें इसमें ऐड करनी है ना मैं अपने हाथ से लिख दूंगा, टेंशन मत लो। सर तुम्हाला मराठी येते क्या? ना मी मराठी ना आहे, मी राजस्थानी आहे। राइट गाइज, चलिए डन लिखो यार, डन लिख दिया वैसे आप लोगों ने। फिर ये गाइज ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो यार अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अगर मान लीजिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ए बी लेस देन सी है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ये होगा, ऑप्टूस एंगल ट्राइंगल में ये होगा। राइट गाइज, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन इसके आते हैं जो हम लोग करेंगे। वाह राइट, तो गाइज आप लोगों ने क्या समझ लिया कि भाई ए सर आपने ये बताया मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, एक्यूट एंगल में ये ग्रेटर देन होगा, ऑब्ट्यूज में ये लेस देन होगा। राइट गाइज, दिस क्लास विल एंड एट 8:10 PM सर हॉले नाइट का पीडीएफ कहां मिलेगा? गाइज टैली पे अवेलेबल है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसका प्रूफ मैं आप लोग को बता देता हूं गाइज, इसका मैं प्रूफ आप लोग को बता देता हूं, ठीक है। इसका मैं प्रूफ आप लोग को बताता हूं, बहुत सिंपल प्रूफ है गाइज, आप लोग देखें यहां पे, देखिए अगर मान लीजिए ये एक्यूट एंगल है, ये ए है ये बी है ये सी है, तो आप लोग ये 90 डिग्री बनाइए, ये एच बनाइए ये एक्स बनाइए, तो हम कह सकते हैं एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, बी प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। इससे मैं क्या कह सकता हूं गाइस, देखो अगर आप इसको ओपन अप करें एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को सी स्क्वायर रखें तो आपका आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2BX इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो ये ग्रेटर देन जीरो है तो ए स्क्वायर आपका ग्रेटर देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, अगर ऑप्टूस है तो। समझ में आया कि आप लोगों को? डन चाहिए मुझे यहां पे मुझे डन चाहिए। गामा सीरीज का ही कंटिन्यूशन है ये बेटा, एलजेब्रा में वहां पे पढ़ा रहा हूं ना, प्री आरएम वाले कोर्स में। यस यस ये आज ही किया था तुल। राइट गाइस, चलिए आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन करो यार, देखते हैं क्या आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं। ये क्वेश्चन कीजिए गाइस, ये क्वेश्चन प्रूव कीजिए भाई। देखो अगर अच्छे क्वेश्चन चाहिए ना जल्दी से ये खत्म कर लो यार, पहले ये क्वेश्चन खत्म कर लो जल्दी से। सर आप इसमें नंबर थ्योरी भी पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा, अभी सुपर सिमेट्री बेटा ये क्वेश्चन करो, आगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा गाइस। जो लास्ट पार्ट है ना वो पूरा समझ में आ जाएगा आपको, एक करके तो देखो आप। नंदीश बेटा वो देखो मेरे बच्चों, आप लोगों को गामा सीरीज देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं आपको गामा सीरीज देखने की जरूरत क्यों नहीं है। जो भी बच्चे आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा, हम समझ गए सर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप। गामा सीरीज आपको इसलिए देखने की जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि जो एलजेब्रा वाला पार्ट है वो मैं IOQM का जो मैंने कोर्स चलाया है, जो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरा IOQM चल रहा है, जहां पे मैंने एलजेब्रा से स्टार्ट किया है। तो ये KVPY एस्पिरेंट भी देख सकते हैं। राइट गाइज, TTS में मैंने क्या चालू किया है गाइज, KVPY जहां पे ज्योमेट्री चल रही है। तो अगर आप लोगों ने गामा नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, IOQM देख लो, अगर आप समझ गए तो डन लिख दो। फिगर देखो गाइस, फिगर आप लोग खुद बना सकते हैं इसके अंदर, है ना, फिगर आप लोग खुद बना सकते हैं, फिगर इसके अंदर आप लोग खुद बना सकते हैं। देखो एंगल Q एंड R
देखो क्या बोला है कि भाई ये एंगल टी, ये टी है, ये आर है, क्यू और आर, टी क्यू एंड टी आर आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू आर रेस्पेक्टिवली, एंगल क्यू पी आर ये पी है, ये एंगल 80 है, पी आर टी ये एंगल 30 है, डिटरमाइन टी क्यू आर। अब टी क्यू आर गाइस कितना होगा, देखो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये 30 है देखो 60 हो गया, तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, राइट गाइस, राइट गाइस। फिगर तो यार आप खुद बना सकते थे गाइस, देखो आलस कर दिया तुमने, तुमने आलस कर दिया गाइस, थोड़ा सा फिगर आप खुद बना सकते थे, आलस कर दिया ना तुम लोगों ने, तुमने आलस कर दिया ना, देखो गलत बात है ना ये, आलस नहीं करेंगे हम लोग। देखो मुकेश मधुकर गिव सम हार्ड क्वेश्चंस गाइस, अगर लेक्चर के एंड तक आप लोग को हार्ड क्वेश्चन ना मिले तो आप नाम चेंज कर दीजिएगा राजदीप घोष का, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, ये इजी क्वेश्चन है गाइस, ये सब होमवर्क क्वेश्चंस है ना, ये गाइस होमवर्क क्वेश्चंस है, ठीक है। अब मैं आप लोग को अमेजिंग क्वेश्चंस दूंगा, ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, इसके सॉल्यूशन अवेलेबल है गाइस, मेरी बुक में इसके सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप ये सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बताइए, ये क्वेश्चन बताइए गाइस कैसे करेंगे आप, ये क्वेश्चन करिए, राइट right। ए क्यू इज रियली अमेजिंग, ए क्यू क्या है, सर प्लीज एड पी वाई क्यूज गाइज, पी वाई क्यूज मेरी बुक में अवेलेबल है, मैं यहां पे भी ऐड करूंगा, आप लोग टेंशन मत लो बेटा, पी वाई क्यूज इसका पार्ट होंगे पारस, टेंशन मत लो, आप नोट्स में अवेलेबल होंगे वो, ठीक है। सर आई एम अनेबल टू मैनेज टू कोर्सेज, तो गाइज दिव्यम यू कैन ओनली फॉलो बिग सिंस यू आर इन क्लास एट, यू कैन फॉलो ओनली आईओ क्यू एम, राइट। अब इंटीजर्स हैं गाइस, देखो पेरीमीटर 20 है, पेरीमीटर 20 है गाइस, राइट, पेरीमीटर 20 है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इंटीजर। तो आप गाइस मान लीजिए, देखिए जैसे आप ये मानते हैं ना कि अगर मान लीजिए सी इज द लार्जेस्ट साइड विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, अगर आप इसको साइड लार्जेस्ट साइड माने तो C गाइज मैक्सिमम 9 हो सकती है, हाँ या ना, C गाइज मैक्सिमम 9 हो सकती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप A और B लेने की कोशिश कीजिए, A और B आप लोग क्या क्या ले सकते हैं, 5 और 6 ले सकते हैं, ठीक है 5 और 6 ले सकते हैं, थ्री और एट ले सकते हैं, टू और नाइन ले सकते हैं, ठीक है फोर और सेवन ले सकते हैं, राइट गाइस ये ले सकते हैं, ओके दिव्यम स्टिल यू कैन गो फॉर इट, राइट। आप लोग को इस तरह से लेना है क्योंकि भाई इंटीजर लेना है, आपका पेरीमीटर 20 है, सी लार्जेस्ट साइड 9 क्यों हुई, क्योंकि गाइस देखिए सी इज लेस देन ए प्लस बी, राइट। अगर आपने सी को 10 ले लिया तो ए प्लस बी भी 10 हो जाएगा, एब्सर्ड है, तो ये हो गया। फिर आप इसके अलावा और कोई केस आएगा नहीं, फिर आप 8 ले लीजिए, 8 के करस्पॉन्डिंग ए प्लस बी 12 हो गया, ए प्लस बी 12 हो गया, तो आप 6 से स्टार्ट कीजिए, 5 7 से स्टार्ट कीजिए, राइट 6 5 7 4 8 से स्टार्ट कीजिए, 3 9 नहीं ले सकते आप क्योंकि 3 9 आप यहां ले चुके हो, 3 9 आप यहां पे ले चुके हो, तो ये तीन ही केस आएंगे। फिर आप 7 ले लो, 7 7 6, राइट, और कोई केस ले नहीं सकते, तो ये 8 केसेस आ गए गाइस, 8 केसेस आ गए। हिट एंड ट्रायल से ही होगा गाइस ये ना, केवीपीवाई इज फुल ऑफ हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल से ही होगा गाइस ये, ठीक है। इसमें लॉजिक यही है कि सबसे बड़ी साइड आप लोग को अज्यूम करनी पड़ेगी, बाकी सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, समझे क्या आप, समझे क्या आप,
अगर आप समझ गए तो डन लिख दो यार, समझ गए तो डन लिख दो गाइस, समझ गए तो डन लिख दो बेटा। मेरा यही तो कोर्स देखना है केवीपीवाई के लिए, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो मेरे हिसाब से, मेरे को समझ नहीं आया। 765 नहीं ले सकते आप, 776। यस, यही आइडिया है बेटा, तभी मैं लेक्चर्स डिजाइन कर रहा हूं, मैंने उसी तरह से डिजाइन किया है। राइट, डन, गुड। अब देखो, एक बच्चा फॉर्मूला बोल रहा है गाइस, इसका पता है इंटरनेट पे आप लोगों को फॉर्मूला दिखेगा, इंटरनेट पे इसका आपको फॉर्मूला दिखेगा गाइस, वो फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। इसमें क्या होता है कि जो भी पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर स्क्वायर अपॉन 48 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब, अब पी स्क्वायर बाय 48 निकालिए, 400 बाय 48 आएगा, ये तकरीबन 8 पॉइंट समथिंग होगा, तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दिस, ठीक है, ये इंटरनेट पे दिखेगा आपको, इंटरनेट पे दिखेगा गाइस, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है। कैसे आता है मुझे भी नहीं पता, कैसे आता है मुझे भी नहीं पता, बट ये हैक है, दिस इज अ हैक, राइट गाइस। 39 आपने देखी, आप लोगों ने गाइस 39 यहां पे इसलिए नहीं लिया, मान लो आप 39 ले ले यार, आपने ये 839 यहां पे कवर कर लिया ना, ये देखो कवर हो तो गया, तो आपको ये रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है, नॉन कॉन्ग्रुएंट। तो भाइयों, अगर मैं इसको ट्राइंगल नंबर 3 बोलूं, इसको ट्राइंगल नंबर 7 बोलूं, तो ट्राइंगल 3 इक्वल टू ट्राइंगल 7 हो गया, आपको नॉन कॉन्ग्रुएंट लेना ना, तो रिपीट थोड़ी करोगे केस, आप केस रिपीट नहीं कर सकते, राइट गाइस। प्रूफ नहीं है बेटा इसका, इसका प्रूफ नहीं आता यार, इसका ये था एम्पिरिकल है, इट इज एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्वेशनल है गाइस, इट इज ऑब्जर्वेशनल, राइट। अब ये क्वेश्चन करें गाइस आप, गिवन, मैं बिल्कुल केवीपीवाई के टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, गिवन ए बी सी बी एन ऑब्ट्यूस ट्राइंगल विथ सी ग्रेटर देन बी एंड ए, इफ ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 15, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज ऑफ सी, बताइए। आराध्या बेटा, वो वाला फॉर्मूला एम्पिरिकल है, शॉर्ट ट्रिक है, इसलिए मैं तो बताता भी नहीं हूं बेटा। देखो, इस चैनल पे सारे कोर्सेज चल रहे हैं, केवीपीवाई के सारे कोर्सेज चल रहे हैं गाइस, इस चैनल पे केवीपीवाई के सारे कोर्सेज चल रहे हैं, राइट। बताइए, राइट गाइस, यस, पूरा टॉपिक खत्म करेंगे आज जी। बताइए गाइस, बच्चे 6 बोल रहे हैं, देखते हैं। देखो गाइस, हम लोग को एक तो ये चीज पता है कि भाई सी जो है ना, लेस देन 10 प्लस 5 15 होगा, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, राइट। और क्योंकि ये ऑप्टिव्स है, तो सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब गाइस सी क्या हो गया, देखो 19
ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी फोर। क्या ये सिक्स वैल्यूज हो गई? बोल दो ना जरा, क्या ये सिक्स वैल्यूज हो गई गाइस? राइट, हाँ बिल्कुल राजदीप घोष, अभी अभी मैंने बताया था क्लास में, अभी अभी बताया था गाइस मैंने कि क्या रिलेशन होता है। ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन है। कैसा लगा गाइस, मजा आया इस क्वेश्चन में? क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन में मजा आया? क्या बोल रही है पब्लिक? राइट राइट गाइस, यस दिस इज पीजे एक्सक्लूसिव, गाइस दिस इज पीजे एक्सक्लूसिव सवाल। बेटा ये मेरा कोर्स है ना, 7 to 8:30 आएगा, 7 to 8:30 आएगा। राइट समझ में आया नहीं आया? देखो यहां पे दो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस है कि भाई एक तो मैंने ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करी, दूसरी मैंने ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन यूज की। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई ओपी चाहिए मेरे को, यहां पे ओपी लिख दो, ओपी लिख दो यार, अगर आप लोगों को समझ में आया तो। हाँ कर सकते हैं मानस रंजन, कर सकते हैं बेटा इसको, इसको फॉलो कर सकते हैं मानस रंजन। राइट राइट गाइस, ऑब्वियस था है? अच्छा ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी पीजे एक्सक्लूसिव है, ये भी पीजे एक्सक्लूसिव है गाइस। ठीक है, गिवन ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ पी इज ऑन ए सी सच दैट पी इज नॉट ए और सी ए बी इज इक्वल टू 20, बी सी इज इक्वल टू 21, फाइंड डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स पी सच दैट बीपी इज एन इंटीजर। बताइए गाइस, बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए गाइस। ओ वाह एस जी वाह, क्या बात है, मजा आ रहा है क्या गाइस आपको? मजा आ रहा है क्या गाइस आपको केवीपीवाई पढ़ के? भाई प्रीआरएमओ तो करना ही है गाइस, जो आईओक्यूएम के एस्पिरेंट्स हैं उनको प्रीआरएमओ का तो पूरा कोर्स करना है, समझे? राइट गाइस,
बोलो भाई मेरे भाई लोग, 15, 16, 17 भाई पी की वैल्यू पूछिए। देखो गाइस अब यहां पे मैं आप लोगों को पूरा समझाता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन गाइस केवीपीवाई का कैंडिडेट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये आप देखना गाइस, सबसे पहले ये 20 है, ये 21 है, ये 29 है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं जिसको डी बोलूं, तो क्या मैं कह सकता हूं हाफ बी डी इंटू 29 इज इक्वल टू हाफ 20 इंटू 21। तो बी डी को गाइज मैं बोल सकता हूं 420 अपॉन 29, या फिर तकरीबन तकरीबन 130 कितना होगा 14 पॉइंट समथिंग, राइट गाइज? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 14 पॉइंट समथिंग होगा सर? अब देखो मेरे बच्चों, अगर मैं यहां पे एक P1 पॉइंट लूं, ये 15 लेंथ हो सकती है, तो भाई BP1 मैं 15 ले लूंगा, BP2 मैं 16 ले लूंगा, ठीक है। ऐसे करते करते मैं BP1, 2, 17, 18, 19 ये लेता हूं। कैसे गाइज, ये कहां पे लिया मैंने? यहां पे, राइट गाइज? ये 14 पॉइंट समथिंग है, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे पांच पी यहां पे आ गए। फिर गाइज मैं कह रहा हूं कि भाई 15 तो मैं इधर भी ले सकता हूं, 16 तो मैं इधर भी ले सकता हूं, ये 15 वाली लेंथ है, ये 16 वाली लेंथ है, ऐसे करके मैं 20 ले सकता हूं यहां पे, 15, 16, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल 11 पॉइंट्स हो गए गाइस। ऐसे देखो, ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, टफ है ये, टफ, इट इज अ टफ क्वेश्चन, केवीपीवाई के लिए टफ कहा जाएगा इस क्वेश्चन को, राइट गाइस? 11 पॉइंट्स आएंगे, 11, राइट गाइस? 11 पॉइंट्स आएंगे, 11, यस, राइट? दिस इज नॉट ऑब्वियस, राइट? दिस इज नॉट ऑब्वियस, मैं वही कह रहा हूं। ये क्वेश्चन मैंने ये बोला गाइज, देखो आप लोगों ने यहां पे क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या थी गाइज, आप खुद सोच के देखो, ठीक है। एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या है गाइज यहां पे, कि यार ये सर, ये वाला जो है ना, ये मिनिमम डिस्टेंस का लाइन है जो 14 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। ये 14 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब सर मैं अगर डी के इस वाली डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे एक लेंथ मिलेगी 15 की, एक 16 की, 17 की, 18 की, 19 की, तो 5 पॉइंट इधर मिल गए। फिर सिमिलरली मुझे 6 पॉइंट इधर मिल जाएंगे, 5 + 6, 11 पॉइंट्स। बिल्कुल एक्सक्लूसिव कंटेंट है गाइज, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव कंटेंट है केवीपीवाई के हिसाब से, राइट गाइज? क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? क्या आप लोगों को क्लियर हुआ गाइज? यस। देखो डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे गाइज, डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे? 11 विल बी द आंसर, 11 इसका आंसर होगा। 11 तरीके से आप पी चूज कर सकते हो ताकि बीपी एक इंटीजर आए। पहले तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा बच्चों को, आप लोगों को देखो ये चूज करना है कि भाई पी आपको एसी पे चूज करना है, सच दैट बीपी आपका इंटीजर है, तो भाई 14 पॉइंट समथिंग मिनिमम वैल्यू है बी से डी चूज करने की, मतलब कोई भी पॉइंट पी चूज करने की, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो 20 पे आपको रुकना पड़ेगा, 19 पे आप क्यों रुके? क्योंकि भाई ये 20 हो रहा है, इससे ज्यादा लेंथ पे वो ए पे पहुंच जाएगा, राइट? ये बोला मैंने। वाह वाह दिव्येंदु सिंह भाटी, यस। सो गाइज आज का होमवर्क आप लिख लीजिए, आज का होमवर्क गाइज लिख लीजिए आप लोग, नो योर प्रोग्रेस, फ्रॉम पाथफाइंडर, मेरी बुक है गाइज ये पाथफाइंडर फॉर केवीपीवाई
एंड प्रियारम फॉर केवीपीवाई, ये मेरे ही द्वारा लिखी गई है, और नो योर प्रोग्रेस टू, ये दोनों गाइज आप लोगों को करने हैं, राइट गाइज, ये दोनों ही आप लोगों को करना है, राइट right? सो गाइज आई होप आप लोग को बेटा प्रियारेमो में भी, यस प्रियारेमो में इससे थोड़ी सी टफ पढ़नी पड़ेगी बट हो जाएगा। मेरी बुक की पीडीएफ अवेलेबल नहीं है बेटा, अमेजोन से आप लोग खरीद सकते हो, केवल 300 रुपए की किताब, केवल 300 रुपए की किताब है गाइज। हाँ बेटा यही होता है बेटा अपनी क्लास में, तो पता भी खत्म भी हो जाती, पता भी नहीं चलता, राइट। सो गाइज आई होप आप लोग को मजा आया, अगर आप लोग को मजा आया तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, और प्लीज अगली क्लास से रेगुलरली आए गाइज। आप लोग को बता देता हूं शेड्यूल क्या है, हर ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे मैं आप लोगों को KVPY पढ़ाऊंगा अनअकैडमी 11th एंड 12th चैनल पे 7 to 8:15 PM, 8:10 to 8:15, राइट गाइज प्लीज आप लोग अटेंड करें, मैक्सिमम बच्चों के साथ ये शेयर करें आप, राइट। फ्रॉम जिस बच्चों के पास मेरी बुक है प्लेन ज्योमेट्री वन, प्लेन ज्योमेट्री वन चैप्टर है गाइज, उस चैप्टर में से करनी है आपको, प्लेन ज्योमेट्री वन में से सॉल्यूशन आप लोग के पास अपलोड हो जाएंगे। एक ही बुक है बेटा, एक ही बुक है संदीप, एक ही बुक है। सो गाइज आई होप यू लाइक द लेक्चर, सो आप यू नो द ड्रिल भाई, इसके जो भी सेशन नोट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है tinyurl.com/JEEADVMath, हमारे जो यूट्यूब पे कवर पेज है वहां पे भी आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। सो टेलीग्राम मैसेंजर गाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, ज्वाइन करने के लिए प्रशांत जैन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसका जो यूआरएल है वो है @PJSir42, यहां पे आप लोग दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को केवीपीआई प्रीआरएमओ एनटीएससी एनएसएस जेई से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिल सके, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्बैट एग्जामिनेशन गाइज हर संडे कंडक्ट कराता है अनअकैडमी, पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग उसको अनलॉक कर सकते हैं। कॉम्बैट एग्जामिनेशन से आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलती हैं, और वो अमेजिंग चीजें क्या है, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलता है, उसके अलावा कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स हैं वो भी आप लोगों को मिलते हैं। आस्क अ डाउट फीचर गाइज आप लोग यूज कर सकते हैं अनअकैडमी का, आस्क अ डाउट फीचर बहुत ही अमेजिंग फीचर है, जहां पर आप लोग कोई भी अपने डाउट्स हैं उनको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, वन बाय वन आप लोग डाउट्स को स्कैन करके अपलोड करें, और फिर ये चीज बस ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वगैरह सब मेंशन करके डोंट्स क्या है मल्टीपल आप डाउट्स ना डालें, एक के बाद एक ही डालें। और ये गाइज मेरा अनअकैडमी का यूआरएल है @Prashant42Jain, तो आप लोग इस पे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज सिंपल सी बात है, एक चीज आप लोग को जो हमेशा याद रखनी है वीडियो के एंड पे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बोलिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अनअकैडमी का जो बेस्ट कॉन्टेंट है जो जेई मैथ रैंकर्स पे आप लोगों को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एक्सेस करें। सो गाइज कीप लाइकिंग कीप शेयरिंग कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJLIVE। थैंक यू।